दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आरडी शर्मा है और मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिटायर्ड हुआ हूँ। लगभग 3 साल हो गए। मुझे डायबिटीज हो गई थी और वो भी बहुत क्रॉनिक। तो जब मैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जब एडमिट हुआ तो उन्होंने जब मुझे चेक किया तो 450 उन्होंने डिटेक्ट किया था कि इतना हो गया है। वो एकदम शॉक कि रिटायर्ड भी हो गए और आगे जीवन लंबा है, जिम्मेदारियां हैं, ये सब कैसे पूरा होगा। तो 10 दिन एडमिट रहने के बाद डिस्चार्ज हुआ, घर आ गया तो उन्होंने गिफ्ट में मुझे एक इंसुलिन थमा दिया और लेंटस नाम का जो पेन था वो मेरी जिंदगी के साथ चिपक गया। पूरे 1 साल 10 दिन उसको मैंने लगाया और जैसे डॉक्टर और डाइटिशियन ने मुझे बताया था कि आपने सुबह और शाम इतना वॉक करना है और ये रूखा सूखा खाना है, मेरी एकदम लाइफ चेंज हो गई थी और डिप्रेशन में भी चलता जा रहा था। तो ऐसे चलते चलते पूरे 1 साल में मेरा शरीर का 12 किलो वेट कम हो गया था और ऐसा दिखाई दे रहा था कि 3-4 साल के बाद टिकट कटने वाला है। तो ये वॉक करते करते, मैं ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो यमुना विहार में एक सैफी मोहम्मद जी जिन्होंने एक ट्यांस का डेमो सेंटर खोला हुआ था, उन्होंने बीसीएम और एक्यूलाइफ ये रख के वहां भीड़ लगी हुई थी। मैंने कहा सुबह सुबह 7:30 बजे का टाइम मैंने देखा ये क्या है। तो जाके जब चेक कराया वो कह रहे यहाँ चेकअप होता है। मैंने कहा ब्लड से? कहता नहीं नहीं मशीन है हमारे पास एक ऐसी जो दुनिया में केवल एक ही कंट्री ने बनाई है, मुझे पता नहीं क्या है। तो जब मैंने चेकअप कराया तो उन्होंने एक ज्योतिषी की तरह मुझे ये बता दिया कि तुम्हारे लेफ्ट जो बाजू है उसमें प्रॉब्लम है और आपको डायबिटीज है। वो मुझे थी। मैंने कहा यार ये ठीक भी हो सकती है भाई? कह रहे जी गारंटी से ठीक हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, क्या करना होगा। तो उनके पास में बीसीएम और दूसरे एपरेटस थे तो उन्होंने मुझे शुरू करा दिया। तो मैंने रेगुलर लगभग 3 महीने तक वो सुबह और शाम वो बीसीएम किया और 1 महीने के बाद उन्होंने मेरे गिमनिमा टैबलेट